Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start a new series to cover all the chapters of your mathematics textbook, Maths Mela. This is new NCERT for class 3. So there are 12 units or chapters in this book. We are starting with chapter 1, What's in a Name? So, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट वन कवर करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है तो इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। एक स्टोरी दी गई है, इसको हम पहले पार्ट्स में रीड करेंगे फिर आगे की वर्कशीट देखेंगे। सो लेट अस जस्ट मूव अहेड। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज अ काउ हर्ड फैमिली इन तारकेश्वर। तारकेश्वर एक जगह है जहाँ पर एक गाय पालने वाली या गाय चराने वाली फैमिली रहती थी। एवरी डे देबा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग। हर रोज देबा और दीप, उस फैमिली के दो मेंबर थे, वो गाय को चराने के लिए यानी कि घास खिलाने के लिए बाहर ले जाया करते थे। दे यूज टू रिटर्न इन द लेट इवनिंग टुगेदर विद ऑल द काउज। हर शाम को गाय को चराने के बाद वो देर शाम तक घर वापस आ जाते थे सभी गाय को लेके। One day, Deba asked, "How do we know that we have not lost any cows?" Deba ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोई गाय खोई या नहीं खोई, या हमारी सारी गाय हमारे पास है? They did not know how to count, क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं थे कि counting क्या होती है, हम गिन कैसे सकते हैं। So, what do you think? What could Deba and Deep do? वो लोग क्या करेंगे ये पता करने के लिए कि हमारी गाय खोई है कि नहीं खोई है? सो लेट अस जस्ट मूव अहेड एंड सी व्हाट दे डिड। देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया। उनका एक दोस्त उनको एक आइडिया देता है। व्हेन यू गो आउट मेक अ मार्क ऑन द वॉल फॉर ईच काउ दैट लीव्स द गेट। उसने बोला कि जब तुम सुबह गाय को चराने के लिए लेकर जाते हो तो हर गाय जब घर से बाहर निकलती है तो एक लाइन आपको इस दीवार पे खींचनी है, हर गाय के लिए एक लाइन। ओके, देन व्हेन यू कम बैक स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट। और शाम को जब आप वापस आते हो गाय को लेकर, जैसे जैसे एक एक गाय घर के अंदर जाती जाएगी आप एक एक लाइन को कट कर देना। अगर सभी लाइन्स कट हो जाती है जितनी आपने सुबह खींची थी, इसका मतलब सारी गाय वापस आ गई है, और अगर नहीं होती है इसका मतलब गाय नहीं आई है सारी वापस। सो व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे दे फॉलोड देयर फ्रेंड्स आइडिया एंड ऑल द मार्क्स वर स्टक डाउन व्हेन दे केम बैक होम। अगले दिन उन्होंने वही उपाय किया जो उनके दोस्तों ने बताया था। उन्होंने सारी लाइनों को कट किया जब वह वापस शाम को आए, उन्होंने देखा सारी गाय वापस आ गई है। फिर क्या हुआ, एक दिन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे हैड मैनी मोर काउस। अब बहुत साल बीत गए, अब गाय की संख्या भी उनके पास बढ़ गई थी, धीरे धीरे बहुत सारी गाय हो गई थी। वन डे देयर वॉल हैड दिस मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम। आप यहाँ पर दीवार देख सकते हैं, तो इतनी लाइनें थी उनकी दीवार पे क्योंकि गाय बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इतनी लाइनें वे खींच के बाहर गए थे। सो दे हैड डैश काउस। तो कितनी काउस थी उनके पास, हम कैसे काउंट करेंगे? एक एक लाइन को हम काउंट करेंगे तो पता चल जाएगा टोटल, है ना? 1, 2, 3, 4, 5। अब सब में 5 5 है, तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 2 47। सो 47 काउज इन टोटल, हमने 5 5 को ऐड किया। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज। वो लोग गाय के साथ वापस आते हैं। दे स्ट्रक आउट वन मार्क एज ईच काउ री एंटर द गेट। वो हर बार एक लाइन को काटते हैं जब गाय री एंटर करती है घर में। लेकिन टू मार्क्स वर स्टिल लेफ्ट ऑन द वॉल बट दे डिडंट सी एनी काउ आउटसाइड। लास्ट में दो लाइंस बच जाती हैं लेकिन गाय तो होती नहीं है बाहर, तो इसका मतलब कि गाय गुम हो गई है ना? दे वर वरिड, तो वो डर जाते हैं। नाउ देयर इज क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई वर देबा एंड दीप वरिड? देबा और दीप क्यों डरे हुए थे? क्योंकि उनकी गाय गुम हो गई थी, दो लाइन अभी भी बची थी लेकिन गाय नहीं थी बाहर। सो हाउ मैनी काउज हैड रीच्ड होम? हमने लाइंस देखी थी कि टोटल 47 है, दो गाय अभी भी नहीं मिल रही है, तो 47 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 45 काउज जो है वो घर पे पहुंची थी, दो अभी भी गायब थी। देबा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउ एंड फाउंड देम इन अ नियर बाय फील्ड। देबा और दीप जल्दी से ढूंढने गए दोनों गाय को, और वहीं पास के मैदान में वो दोनों गाय मिल गई। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर। उनको पता चल गया था कि गाय गुम हुई है, तो जल्दी से जाके उन्होंने गाय को ढूंढ ली और खुशी खुशी रिटर्न आ गए घर पे। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शीप।
उनका एक दोस्त है हेमंत, देबा और दीप का, उसके पास, हेमंत के पास 36 काउज हैं और 23 शीप हैं। अब आपको हेल्प करना है कि जैसे देबा और दीप ने लाइंस खींच के अपनी काउ का ध्यान रखा था, तो कैसे हेमंत भी ये कर सकता है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। सो काउ कितनी है, 36, सो हम 5-5 के पेयर्स में लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, then 10, then 15, then 20, then 25, then 30, then 35. 35 हो गए और one more क्योंकि 36 है। अब मैं sheep के लिए अलग color use कर रही हूँ। So 5, 10, 15, 20 and 3 क्योंकि 23 sheep है। Okay, so ऐसे करके हेमंत अपनी गाय और शीप की देखभाल कर सकता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले अ गेम। दे वांटेड टू मेक टू टीम्स। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम, दैट इज द वन विद द मोस्ट लेटर्स। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम, दैट इज द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर। अब क्या होता है, कुछ जानवर और चिड़िया आपस में मिलकर एक गेम खेलने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि दो टीम बनाएंगे, पहली टीम का कैप्टन कौन बनेगा, जिसका नाम सबसे बड़ा है, यानी जिसके नाम में बहुत सारे लेटर आते हैं या सबसे ज्यादा लेटर आते हैं, और दूसरी टीम का कैप्टन वो बनेगा जिसके नाम में सबसे कम लेटर आते हैं। तो यहाँ देखो दो लाइंस में हमें दो ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो चलो देखते हैं कैसे हमने ग्रुप्स डिवाइड किए। ये पांच एक जगह खेल रहे हैं और ये पांच एक जगह खेल रहे हैं। अब सबके नेम्स के लेटर देखते हैं कि कितने हैं। सो टाइगर में 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स हैं। डॉग में 1, 2, 3 है। स्नेक में 1, 2, 3, 4, 5 है। एलिफेंट में ELEPHANT 8 है। देन यहाँ पे डियर में 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट ग्रुप की लिख लिए काउंटिंग। अब सेकेंड ग्रुप का देखते हैं, तो देखो यहाँ टू लेटर्स का एक ही नेम है, ऑक्स, OX, ऑक्स, इसमें टू लेटर्स हैं। सो फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा बड़ा नाम कौन सा है, एलिफेंट, क्योंकि उसमें 8 लेटर्स हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का कैप्टन कौन बन जाएगा, एलिफेंट, और सेकेंड ग्रुप में ऑक्स बन जाएगा क्योंकि इससे छोटा किसी और का नाम नहीं है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फाइंड आउट द कैप्टन्स ऑफ द टू टीम्स। सो फर्स्ट टीम का कैप्टन कौन है, एलिफेंट, कितने लेटर थे उसमें, 8। ओके, नाउ सेकेंड टीम का कैप्टन कौन है, ऑक्स, क्यों, क्योंकि उसमें लेटर थे 2, है ना, सबसे छोटा नाम था। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा है, डू यू नो एनी एनिमल हैविंग अ लॉन्गर नेम देन द फर्स्ट टीम्स कैप्टन। जो पहले टीम का कैप्टन है कौन है, एलिफेंट, तो क्या आप किसी ऐसे जानवर का नाम जानते हैं जो इस नाम से भी बड़ा नाम हो, तो आपको सोचना है और बताना है। मैं एक नाम बताती हूँ आपको यहाँ पे, चिंपैंजी। अगर आप इसके लेटर्स काउंट करेंगे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लेटर्स का है ये, यानी एलिफेंट से भी बड़ा नाम है, है ना। आप कोई और नाम सोच सकते हैं तो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अ लॉन्गर नेम, डिस्कस। यहाँ पर महेश और कार्तिक दोनों बोल रहे हैं माई नेम इज लॉन्गर, मेरा नाम बड़ा है। कैसे गिनेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले महेश के लेटर्स को काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। अब कार्तिक के 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6 हैं। तो आंसर क्या होगा, नो नेम इज लॉन्गर एज बोथ हैव 6 लेटर्स इन इट। किसी का नाम बड़ा नहीं है क्योंकि दोनों के नाम में ही 6 लेटर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द स्पेस गिवन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू एफ। हमें अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर, उनके लेटर्स को काउंट करना है, फिर ए से लेके एफ तक आगे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका आंसर करना है। तो पहले तो हम नाम लिख लेते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। मैं यहाँ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे रीना, हिमांशी, शशि, गुड़िया, दीपक, निखिल, स्वाति एंड ओम। ओके, अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे सारे लेटर्स काउंट कर लेती हूँ। तो रीना में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है, मैं यहाँ 5 लिख देती हूँ। हिमांशी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है, 8 लिख देती हूँ। शशि में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। गुड़िया में 1, 2, 3, 4, 5 है। दीपक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। निखिल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। स्वाति में 1, 2, 3, 4, 5 है। और ओम में OM 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, टिक द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम। जो सबसे बड़ा नाम है उस पर टिक करना है और जो सबसे छोटा नाम है उस पर क्रॉस करना है। तो सबसे ज्यादा लेटर्स किस में, हिमांशी में 8 लेटर्स हैं, तो यहाँ हम टिक करेंगे। और सबसे कम किस में है, ओम में 2 ही लेटर्स है, तो यहाँ हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम।
आपको अपने नाम का जो सबसे फर्स्ट लेटर है वो लिखना है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है एस, ठीक है, मान लो मेरा नाम एस से है तो मैंने एस लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। अब आपको ऊपर जो नाम आपने लिखे हैं उसमें से ऐसे नेम्स ढूंढने हैं जिनका स्टार्टिंग का लेटर मैच हो रहा है आपके नाम से। तो कितने नेम है ऐसे, देखो शशि और स्वाति, क्योंकि मेरा नाम एस से है, ये दो जो नेम है ये एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ टू लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिंस विद इट। कौन सा स्टार्टिंग का लेटर जो है वो ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पर, हमें उनके नाम काउंट करने हैं। तो देखो आर से एक ही है रीना, एच से एक ही है हिमांशी, एस से दो नेम है शशि एंड स्वाति, राइट, और बाकी किसी से भी दो नेम नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे एस वाले। और कितने नेम है, शशि एंड स्वाति टू, तो यहाँ लिख देंगे टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। हमें ऐसे नेम्स काउंट करने हैं जिनके लास्ट में एक ही सेम लेटर आता हो। तो देखो रीना गुड़िया, इन दोनों में लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बाकी हिमांशी शशि और स्वाति, इसमें क्या आ रहा है, तीनों में आई आ रहा है लास्ट में। रीना और गुड़िया भी हो सकता है और हिमांशी शशि और स्वाति भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आई वाले जिसके लास्ट में आई आ रहे हैं वे तीन है, ज्यादा है, इसीलिए मैं तीन लिखूंगी कि हिमांशी शशि और स्वाति के लास्ट में सेम लेटर आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। आपने जितने भी नाम लिखे हैं ऊपर उनमें से कौन सा लेटर स्टार्टिंग में नहीं है, ए से लेके जेड तक हम देखेंगे। ए से कोई नाम नहीं है तो ए लिखेंगे, बी से भी नहीं है बी लिखेंगे, सी से भी नहीं है सी लिखेंगे, डी से है दीपक, फिर ई से नहीं है ई लिखेंगे, एफ से भी नहीं है, जी से है गुड़िया, एच से भी है हिमांशी, एच के बाद क्या आता है आई से नहीं है तो आई यहाँ लिखेंगे, जे के एल एम, एम तक नहीं है, फिर एन से निखिल है, ओ से ओम है, फिर ओ के बाद क्या आता है पी, पी से नहीं है तो पी यहाँ लिखेंगे, फिर क्यू से भी नहीं है, आर से है रीना, एस से है शशि एंड स्वाति, टी से नहीं है, यू से नहीं है, वी से नहीं है, डब्ल्यू से नहीं है, एक्स से नहीं है, वाई से नहीं है और जेड से नहीं है, है ना। तो इन लेटर से नाम नहीं है ऊपर, तो हमको वो लेटर्स बताने थे। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके साथ हमने इस चैप्टर का पार्ट वन कवर कर लिया है, द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। बाकी के सभी चैप्टर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, और भी सब्जेक्ट्स की लिंक है जैसे इंग्लिश की, हिंदी की, और अभी ईवीएस अगर आएगी तो उसके भी चैप्टर्स में अपलोड करूंगी, तो सभी लिंक्स आप देख सकते हैं, सभी चैप्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।